आत्मा मालिक, परम पूजनीय सदगुरु गुरुमौली के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और आज के ये योग सत्र को प्रारंभ करता हूँ। दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर रखना है। सबसे पहले हमें दंडासन अवस्था में खड़े होकर दोनों हाथों को अपने कमर पर रखकर हमें गर्दन को राइट और लेफ्ट साइड में घुमाना है, ट्विस्ट करना है। रिलैक्स अप एंड डाउन करना है, ऊपर नीचे गर्दन को करना है। रिलैक्स टाइप टू करना है, राइट और लेफ्ट साइड में गर्दन को फोल्ड करना है। रिलैक्स गर्दन को एक साइड पर, अपने बाएं साइड पर, बाएं साइड के एक कंधे पर अपने गर्दन को रखकर हमें दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाते हुए गर्दन को होल्ड करना है, दबा के रखना है। रिलैक्स साइड चेंज करनी है, राइट साइड के ऊपर, राइट साइड के कंधे के ऊपर गर्दन को रखना है। रिलैक्स गर्दन को रोटेशन, गर्दन का रोटेशन करना है। गर्दन के अंग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए हमें गर्दन को धीरे धीरे करके गोल गोल घुमाना है, ना कि फास्ट करके। रिलैक्स उल्टी दिशाओं में घुमाना है। रिलैक्स दोनों हाथों को सामने की ओर लेके जाते हुए रिस्ट रोटेशन करना है।
रिलैक्स, उल्टी दिशाओं में रिस्ट को घुमाना है, रिलैक्स। फिंगर्स कर रहे दोनों हाथों को फिर एक बार सामने की ओर ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को एक साथ मुट्ठी बंद करते हुए दबाना है और एक साथ मुट्ठी को ओपन करना है। रिलैक्स, होल्ड करना है। रिलैक्स, दूसरे हाथ से ऑपोजिट हैंड से राइट हैंड से रिलैक्स, दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए हमें हिप रोटेशन करना है, कमर को वेस्ट को गोल गोल करके हमें घुमाना है। रिलैक्स, रिवर्स, उल्टी दिशाओं में घुमाना है। रिलैक्स, दोनों हाथों को क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाना है। रिलैक्स, उल्टी दिशाओं में घुमाना है। रिलैक्स, दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर रखकर स्कंद संचालन करना है, शोल्डर रोटेशन करना है।
रिलैक्स, उल्टी दिशाओं में घुमाना है। हाँ रिलैक्स, बैठक स्थिति में आना है। दोनों पैरों को सामने की दिशा की ओर रखते हुए पैरों का सर्कल रोटेशन करना है, टोज का सर्कल रोटेशन करना है। रिवर्स, उल्टी दिशाओं में रिलैक्स, सामने की ओर दोनों पैरों को होल्ड करना है, खींचना है। रिलैक्स, अपनी और दोनों पैरों को खींचना है। रिलैक्स, दोनों पैरों को अपने नितंबन के अपने शून्य के पास में ले आकर के भद्रासन नहीं करना है, सिर्फ बटरफ्लाई करना है। दोनों पैरों के घुटनों को मैट पर लगाने की कोशिश करनी है, अप डाउन करके दोनों पैरों को हिलाते रहना है। रिलैक्स, पेट पर लेटकर अपने पैर को धीरे धीरे नीचे लगाने की कोशिश करनी है, मैट पर लगाने की कोशिश करनी है। अपनी ईडी को अप डाउन करना है, पैर को
रिलैक्स, दूसरे पैर को करना है। रिलैक्स, दोनों पैरों को एक साथ अपने थाइज मसल्स के ऊपर अपनी ईडी को लगाकर अप डाउन करना है। एक साथ अल्टरनेटिव करेंगे। आपके हिप या आपकी क्वाड्रिसेप मसल्स, इनमें से कोई भी एक मसल पर आपका आपकी हील लगनी चाहिए, तब जाके आपका पैर नीचे जमीन में या अपने मैट पर लगेगा। रिलैक्स, फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक हलचली, शारीरिक संचलन हमने अभी पूरे शरीर का किया। अब हम अपने सांस को नॉर्मल बनाने के लिए, संतुष्ट श्वसन करने के लिए ध्यान करके, प्रार्थना बोल के हम फिर आसन की तरफ चलेंगे। कोई भी चार आसनों में से, ध्यानात्मक चार आसनों में से एक आसन लेकर के हमें ध्यान अवस्था में बैठना है। स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन और वज्रासन, इनमें से एक आसन लेकर के हमें ध्यान मुद्रा अवस्था में बैठना है। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा अवस्था में अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखते हुए हमें दोनों कोहनियों को अपने थाइज मसल्स के ऊपर रखते हुए या नज़दीक रखते हुए सामने की ओर दोनों आँखों को बंद करके बैठना है। दोनों कंधों को नीचे रिलैक्स अवस्था में छोड़कर संतुष्ट श्वसन होने के पश्चात हम 11 बार ओमकार नाम का जप करके फिर प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। और
दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने, सीने के सामने, छाती के सामने रखकर नमस्कार अवस्था में हमें प्रार्थना बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानम तीनियोगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर खींचते हुए हमें अपने चेहरे के ऊपर, दोनों आंखों के ऊपर लगाकर ध्यान अवस्था से पूर्व अवस्था में आना है। संत श्वसन होने के बाद अब हम वज्रासन करेंगे। दोनों दोनों पैरों को घुटनों में फोल्ड करते हुए हमें वज्रासन में आना है, वज्रासन में बैठना है। Thank you.
रिलैक्स। अब वज्रासन के बाद हमें अर्धोष्ट्रासन करना है। दोनों घुटनों के ऊपर खड़े होकर हमें दोनों हाथों को अपने कमर पर रखने हैं और सांस छोड़ते हुए हमें सांस लेते हुए हमें पीछे की तरफ झुकना है। रिलैक्स, धीरे धीरे हमें अपनी पूर्व अवस्था में आना है, संत श्वसन करना है। संत श्वसन होने के बाद अब हम फिर से घुटनों के ऊपर खड़े होकर उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथों को अपने पैरों के पंजों के ऊपर, इड़ियों के ऊपर रखकर हमें आसन स्थिति लेनी है। धीरे धीरे हमें आसन छोड़ना है और अपने बैठक अवस्था में आकर हमें बैठना है। वज्रासन में बैठक अवस्था, अभी तक हमने वज्रासन ली हुई है। वज्रासन में आकर हमें संत श्वसन करना है। संत श्वसन होने के पश्चात अब हमें अपना राइट लेग पीछे की तरफ लेके जाना है और लेफ्ट लेग को ऐसे करके फोल्ड करना है। ये लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग है। दाहिना पैर और बायां पैर, बाएं पैर को हमने ऐसे करके फोल्ड किया है और अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ, नीचे की तरफ स्ट्रेट अवस्था में छोड़ दिया है। इस आसन में हमें, आसन का नाम है अर्धभालकिल्लासन। इस आसन में हमें अपने शरीर के बीच बीच के हिस्से में आना है, बीच वाले हिस्से में आना है, यानी कि अपने शिवनी को नीचे मैट पर लगाने की कोशिश करनी है।
रिलैक्स, धीरे धीरे आसन को छोड़ते हुए मैं संतु श्वसन करना है। विपरीत चयन स्थिति में आकर हमें संत श्वसन करना है। अब हम वही आसन दूसरे लेग से, दूसरे पैर से करेंगे, यानी कि अब अपना दाहिना पैर सामने होगा और बायां पैर पीछे की ओर स्ट्रेट दिशा में होगा। दाहिना पैर फोल्ड किया हुआ है घुटनों में और बाएं पैर स्ट्रेट अवस्था में पीछे की तरफ है। रिलैक्स, संत श्वसन, संत श्वसन होने के बाद फिर एक बार हमें बैठक अवस्था में आना है। अब हम पद्मासन करेंगे। सबसे पहले पद्मासन को कैसे किया जाता है, हमें अपना दाहिना पैर और राइट लेग अपने लेफ्ट लेग के थाइस मसल्स के ऊपर रखना है और राइट पैर की ईडी ये हमारे अपने ओटी पोटो के भागों के ऊपर या थोड़ा सा नीचे लगनी चाहिए। और अब दूसरा पैर जो बायां पैर है उसको भी सेम डायरेक्शन में हमें लगाना है। बाएं पैर का ईडी, बाएं पैर की ईडी भी हमें अपने ओटी पोटो के भागों में लगानी की है। ये हो गया अपना पद्मासन पूरा। ये दोनों पैरों की ईडियों को अपने ओटी पोटों के भागों के नीचे लगाने की वजह से हमें हमारे अंदर की जो चक्र है, उस जो 7 चक्र हमें पता है, उस चक्र में उस चक्र को जगाने का काम
हमारी इंडिया करती है, इसलिए आसन में ये बात बताई गई हुई है कि आपको ये इडियों की मदद से आपको यहाँ अपने ओटी पोटों के भावों के नीचे जोर देना है और पद्मासन पूरा करना है। अब कई लोग बोलेंगे, कई साधक बोलेंगे कि ये घुटना ऊपर की तरफ रहता है या ये घुटना ऊपर की तरफ रहता है। कोई बात नहीं, वो हर एक का रहता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे 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 वो नीचे जाएगा और थोड़ा अंतर रहेगा ही, क्योंकि हमने जो पैर बाद में लिया है, सेकंड दूसरी बार लिया है, उस पैर का घुटना ऊपर की तरफ रहता ही है। आप जब ढीला पद्मासन करेंगे, जब आपको ये इडियों को यहाँ नहीं लगाना है, तब आपको ये पद्मासन दोनों घुटनों को जमीन पर टच करते हुए देखने को मिलेगा। जिसने दोनों घुटनों टच किए हुए, याद रहिए कि उसका जो इडी है, जो हिल है, वो टच नहीं करता। क्योंकि देखो, वही भी मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने ईडी को थोड़ा बाहर रखा है, टच नहीं किया है, और अभी इस पैर को भी ईडी को बाहर रखा है और टच नहीं किया है। अब मेरे दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर, दोनों घुटनों एक दूसरे के ऊपर टच हो गए। पर यह आसन नहीं करना है, हमें पद्मासन जैसा बताया है वैसा ही करना है। आसन छोड़ना है, संत स्थिति में दंडासन में आकर, बैठकावस्था की दंडासन में आकर हमें आसन को छोड़ना है। रिलैक्स, शशंकासन हमें करना है। अपने दोनों घुटनों को नीचे फोल्ड करते हुए सामने की ओर हमें सांस छोड़ते हुए झुकना है। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है सांस छोड़ते हुए, हमें सामने की ओर झुकना है। सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ आना है, आसन को छोड़ना है। हम दोनों हाथों को जिस अवस्था में हमने ऊपर लिया था, उसी अवस्था पर नीचे लेकर संत श्वसन आसन में करेंगे। अब हम पीठ पर सोकर या लेटकर शयन स्थिति में लेटेंगे, और अब हम विपरीत करनी प्रकार दो में अपने एक एक पैर को साइड की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रखकर घुटनों को मैट पर लगाकर आसन को पूरा करेंगे।
रिलैक्स, दूसरी दिशा में दूसरे पैर से अपने दाहिने पैर से हम अब आसन को करेंगे। रिलैक्स, संत श्वसन, अब हम एक साथ दोनों पैरों को विपरीत करने में रखेंगे। अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट करके लेंगे। रिलैक्स, पूर्वावस्था में दोनों पैरों को लाकर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में अभी दोनों पैरों को अपने लेफ्ट साइड की तरफ ले जाना है। रिलैक्स, दोनों पैरों को फिर एक बार अपने पूर्वावस्था में इकराते हुए हमें आसन को छोड़ना है। संत श्वसन करना है। अब हमें पेट की ओर लेटकर विपरीत चयन स्थिति में किए जाने वाले आसन करने हैं। उसके लिए हम अब अपने बाएं अंग पर मुड़ते हुए पेट की ओर लेटेंगे। अब हमें दोनों हाथों को अपने चेस्ट की तरफ लेके आते हुए जमीन पर रखना है।
सांस लेते हुए कमर से ऊपर उठते हुए हमें पीछे की तरफ झुकना है और भुजंगासन करना है। गर्दन को सामने की ओर लेके आते हुए हमें आसन को छोड़ना है। पूर्वावस्था में आकर हमें मकरासन करना है। दोनों हाथों को फोल्ड करके हमें अपने पैरों को भी विपरीत अवस्था में क्रॉस करके पैरों को फोल्ड करना है। अपनी दोनों पैरों की इड़ी एक दूसरे के सामने और दोनों पैरों के टोज, राइट पैर का टोज राइट दिशा की ओर, लेफ्ट पैर का टोज लेफ्ट दिशा की ओर, गर्दन एक साइड में, अपने हाथों के ऊपर छंद श्वसन मकरासन होने के पश्चात अब हम 2 मिनट तक शवासन करेंगे। फिर शवासन के बाद बैठक स्थिति में आकर ध्यान अवस्था में बैठकर शांति पढ़ लेंगे। फिर अपने सत्र की समाप्ति करेंगे। 2 मिनट तक शवासन लेंगे। हमें शवासन में शय स्थिति में आना है। स्थिति में आना है। दोनों हाथों के तलवों को ऊपर छत की तरफ, आसमान की तरफ रखकर हमें अपने गर्दन को एक साइड में, खून से भी एक साइड में रखकर आसन को पूरा करना है। शवासन को पूरा करना है। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। दोनों हाथों को ढीला छोड़ना है। गर्दन को ढीला छोड़ना है।
संत श्वसन करते हुए हमें अपने पैर के उंगलियों को और हाथ की उंगलियों को उंगलियों की हलचल करनी है। गर्दन को अपने पूर्वावस्था में लेके आते हुए हमें दोनों आंखों को बंद ही रखना है और अब बैठक अवस्था में आकर हमें चार धनात्मक आसनों में से एक आसन लेना है। दोनों आंखों को बंद ही रखना है। तीन बार ओमकार का उच्चार करके शांति पाठ लेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़कर हमें अपने चेहरे के ऊपर दोनों आंखों के ऊपर लगाकर हमें दोनों आंखों को खोलना है। आत्मा मालिक, आज का ये योग सत्र परम पूजनीय सदगुरु गुरुमावली के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ और आज के इस सत्र की समाप्ति करते हुए आपको दिन की शुभेच्छा देता हूँ। आप सभी को विनती है कि आज शाम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक योग सत्र क्वेश्चन एंड आंसर का आयोजन डेली हम करते हैं। आप सभी से विनती है, आमंत्रण है कि आप उस प्लेटफॉर्म पर शाम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ज्वाइन होइए। आत्मा मालिक।